प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के सुराज संकल्प यात्रा के रथ का स्वागत करने, उनको सुनने और उनको देखने के लिए आज ये सभा हुई है। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, जिला सचिव, एक से एक भक्त सशक्त हस्ताक्षर मंच पर उपस्थित है, उन सबको मेरा प्रणाम। भाइयों बहनों, 2013 और 2014 इस देश की राजनीति के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए। आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि देश की राजनीति चौराहे पर है, राजस्थान की राजनीति चौराहे पर है और एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं घट रही है उससे लगता है कि अगर राजस्थान में प्रशासन है तो प्रशासन है। और ये बात मैं आपके सामने रखता हूं तो मैं कौन धर्म दूंगा आपको, और वो इसलिए दूंगा कि हमारे बड़ी राजनीति चोरी ले रहे वहां के विधायक है प्रकाश चौधरी। उन प्रकाश चौधरी का एक उन प्रकाश चौधरी का सरकार में काम था, कांग्रेस के विधायक, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। उन्होंने अफसरों से कहा, मंत्रियों से कहा, मुख्यमंत्री से कहा, उसके बाद भी वो काम नहीं हुआ तो उनको एक चावल पर जाकर 6 घंटे तक प्रशंसा पड़ा कि मेरा वाजिब काम इस सरकार में नहीं हो रहा है। तब उनकी सुनवाई हुई, एक उदाहरण आपके सामने राज्य का चल रहा है। एक दूसरा उदाहरण और खबरलाल सिंह की कटारी जयपुर मुगल से सांसद है, दिल्ली में मनमोहन सिंह सरकार से मंत्री है, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं, सांसद क्षेत्र में मंत्री, राजस्थान से अशोक जी गहलोत गृहमंत्री। उनका कालवा थाना, उस थाने ने उनको एक कार्रवाई करानी थी, एसपी से कहा, डीएसपी से कहा, आईजी से कहा, गृहमंत्री से कहा, उसके बाद ही जब कार्रवाई नहीं बनी तो केंद्रीय मंत्री को 7 घंटे तक कालवा थाने के जो है सामने धरना देना पड़ा। और दिल्ली से जब संकेत आया कि केंद्र का मंत्री कौन धरने पर बैठा है, तब कार्रवाई हुई। अब आप इसका दर्जा लगा लो कि क्या राजस्थान से कोई सरकार है। आज आपको स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 6 महीने, ये 6 महीने राजस्थान में प्रशासन होगा न शासन होगा। और इसका एक मात्र कारण है कि अशोक जी गहलोत की छुट्टी खुल चुकी है। एक से राजस्थान में जब चुनावों की बात चालू हुई तो यात्राएं चालू हुई, वसुंधरा जी सुराज संकल्प यात्रा की घोषणा कर चुकी थी और घोषणा के बाद अशोक जी गहलोत ने कहा कि मैं भी एक संदेश यात्रा लेकर चलू कांग्रेस का। बहुत अच्छे, इस बात को 5 दिन पहले संदेश यात्रा लेकर निकले और वसुंधरा जी 4 अप्रैल को 4 जनवरी से अपनी संकल्प यात्रा लेकर निकली। लेकिन भाइयों बहनों, संदेश क्या होता है, या तो अशोक संदेश होता है या शुभ संदेश होता है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जो संदेश यात्रा कांग्रेस की निकाली जा रही है उसमें कौन सा संदेश है जो जनता के निश्चित है। जनता की जरूरत आज मान रही, बहुत मान रही, क्या लगे को कम करने का कोई संदेश है। आज बाजार की हालत खराब, क्या उसको ठीक करने का कोई संदेश है। आज सारे राजस्थान से अराजकता का माहौल जिसके 2 उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, क्या उसको ठीक करने का कोई संदेश है। और ये संदेश यात्रा जब चली तब थोड़ी जो ठीक तरीके से आज तो विरोध हो गई, जगह जगह संदेश यात्रा के लिए सरकारी मशीनरी को भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही है, कहीं नरेगा की भी, कहीं आंगनबाड़ियों की भी। और इस तरह जब अशोक जी गहलोत की यात्रा शुरू हो गई तो राजस्थान की 50 दिन प्रतिदिन एक संदेश चला गया, ये आपके सबसे मुख्य होने वाला नहीं है। और इसका नतीजा यह दिखा कि प्रशासन ने, सचिवालय ने अशोक जी गहलोत के कोई आदेश की पालना नहीं हो रही। और इसका ये परिणाम होगा कि आपको 6 महीने तक अगला चुनाव हो, उस चुनाव के बाद जैसा माहौल दिख रहा है, ये 4 अप्रैल से लगातार वसुंधरा जी की सुराज का संकल्प यात्रा रद्द कर रहा हूं,
तरी चला चार महीने तक मतलब तुम यात्रा मधुसरा जी ने निकाली थी बैठने गई थी उस समय मैंने मौजाद जी से चार महीने तक के साथ था लेकिन उस समय के माहौल और आज वर्ग के माहौल में तो बहुत बड़ा अंतर है उस समय से ज्यादा लोग उस समय से ज्यादा सुनने वाले उस समय से ज्यादा दोस्त और इस तरह का दोस्त देखने को मिल रहा है यह प्रमाणित हो गया है ऐसी मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा जी होगी और उसी के आधार पर आप सारे राजस्थान की राजनीति प्रक्रिया चल रही है उसके सारे सहयोगी दिन बैठकर उसके लिए सारे राजस्थान से घूम रहे हैं इसका नतीजा है आप एक दिन में तीन सहयोग से गहलोत की देखा टीवी से मतलब जाएगा और आप कह कहला कर इन टीवी वालों से कहते हैं कि ऐसा इंजन दो कि भीड़ दिखे क्या सच्चे थे उसके आगे वक्त आया है नवंबर में राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होंगे और जितनी राजस्थान में परिस्थितियां और देश में परिस्थितियां चल रही है उस हिसाब से लोकसभा के चुनाव भी विधानसभा के साथ हो सकते हैं और फिर हिंदी ने सुनकर चाहिए दो साल से सत्रह घोटाले दो साल से सत्रह घोटाले एक के बाद एक घोटाला सरकार है ही नहीं घोटाले आंतरिक व्यवस्था रही और हमारा नेपाल तक एक रेट खोजने में बन रहा है बहुत भयंकर स्थिति राजस्थान में आने वाली है तो आपको मैं आपके साथ देना चाहता हूँ इसको छोटा कर देते एक बात देखे थोड़ा एक प्रकार की सेवा चाहता हूँ और वो चेतार भी है अभी आठ सब पहले छत्तीसगढ़ में हथियारबंद लोगों ने राजस्थान को हत्या कर दी हत्यार देश में नहीं कर सकती ये चाहे कांग्रेस के राजनीति कार्यकर्ता थे नेता थे चाहे किसी भी पार्टी के लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ये नक्सलवाद नेताजी नहीं था सतावंत नहीं था ये नक्सलवाद आया 1977 में एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से और इसलिए आया कि उस गांव में गरीबी थी बेकारी थी बेरोजगारी थी बेहतर था और उसके लोग खड़े हुए वो बढ़ते बढ़ते आज देश के आठ राज्यों में 131 जिलों में नक्सलवाद अपने देश में रख चुका है जिसका नतीजा है कि माओवाद के नाम पर हिंसा चल रहे हैं आज राजस्थान में कह सकता हूँ मैं दक्षिणी राजस्थान से आता हूँ दक्षिणी राजस्थान सारा आदिवासियों से भरा पड़ा है आज आदिवासियों की जो हालत है जिस राजस्थान के पास उन आदिवासियों को ये बायोमास आकर्षित कर रहा है वह 20 बन चुके हैं इसको रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो आत्मनिर्भर उसको पूरी कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी जिसके प्रधानमंत्री बात की बैठे और उन्होंने हिन्दुस्तान को एक सशक्त हिन्दुस्तान के दुनिया के सामने पेश किया वो हिन्दुस्तान आज मनमोहन जी के अंदर नक्सलवाद नहीं रोक पा रहा है इससे दिल्ली की सरकार की मदद की राजस्थान की सरकार की मदद ली इस दृष्टि के साथ आपको ये बात प्राप्त करता हूँ जय हिंद जय भारत।